अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, टूटते हुए सितारे से दुआ करना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला हलाल है, दूसरा हराम है, तीसरा फर्ज है, चौथा सुन्नत है। इसका जवाब है, टूटते हुए तारे से दुआ करना इस्लाम मजहब में बिल्कुल हराम है। मौजूदा वक्त में टीवी और सोशल मीडिया पर लोग टूटते हुए तारे से दुआ करते हैं और बहुत से मुसलमान भाई और बहन जब उन्हें ऐसा करता हुआ देखते हैं तो वो भी ऐसा ही करने लगते हैं, और जब भी उनके सामने कोई तारा टूटता है तो वो फौरन टूटते हुए तारे से अपनी दुआ मांगने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले जान लें, इस्लाम में ऐसा करना बिल्कुल हराम है और बहुत बड़े गुनाह का सबब है, क्योंकि अल्लाह को छोड़कर किसी तारे से दुआ करना शिर्क है और शिर्क को छोड़कर अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देंगे लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेंगे। अब आइए कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं कि तारे क्यों टूटते हैं। हदीस में आता है, उलमा तफसीर में बताते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा बैठे हुए थे, तभी आसमान से एक तारा टूटा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि जमाना है जहालत में, यानी जब कोई मुसलमान नहीं था, तो जब कोई तारा टूटता तो तुम क्या सोचते थे? तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मुसलमान नहीं थे और उस वक्त जब कोई तारा टूटता तो हम यह सोचते कि शायद आज कोई बहुत बड़ी शख्सियत वाला आदमी पैदा हुआ है, या दुनिया में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, या कोई बहुत बड़ा आदमी मर गया है। ज्यादा हकीकत अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब पहले आसमान पर फरिश्ते अल्लाह के हुक्म और आगे क्या होने वाला है इस बात पर मशवरा कर रहे होते हैं, तो जिन्नात पहले आसमान के पास जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। जब जिन्नात ये जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो फरिश्ते उन पर बड़े बड़े आग के गोले यानी तारे फेंक कर मारते हैं। कुछ जिन्नात उन तारों की वजह से हलाक हो जाते हैं तो कुछ जिन्नात बच जाते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है लोगों की इबादत के लिए छोड़ देता है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि तारा क्यों टूटता है, और ये बात तो आपको पता ही है कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह को छोड़कर टूटते हुए तारे से दुआ करे तो वो हराम है और बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि टूटते हुए तारे को देख कर अल्लाह से दुआ करना कैसा है। तो देखिए, मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही दुआ करने का हुक्म है। इस पर कुरान में बहुत सी जगह अल्लाह ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया है कि दुआ सिर्फ अल्लाह ही से करो, करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। अब मुसलमान किसी भी वक्त में अपने रब अल्लाह से दुआ कर सकता है, चाहे वो सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त, चाहे वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त। लेकिन हदीस की रोशनी में कुछ वक्त ऐसे हैं जिस वक्त में दुआ जल्दी कबूल होती है। उनमें से एक वक्त अजान का है। जब अजान हो जाए तो उस वक्त आप दुआ करें, क्योंकि अजान के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कुछ रिवायतों में आया है कि अजान और इकामत के दरमियानी वक्त में दुआ जल्दी कबूल होती है, और हदीस में आता है कि जब बारिश हो रही हो तो उस वक्त भी दुआ जल्दी कबूल होती है। कुछ रिवायतों में आया है कि बारिश भी हो रही हो और हल्की सी धूप हो तो ऐसे वक्त में भी अल्लाह तबारक व तआला दुआ जल्दी कबूल फरमाता है। और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी रात में एक ऐसी घड़ी है कि बंदा उस घड़ी में अपने रब अल्लाह से दुनिया और आखिरत की किसी भी जायज़ चीज़ का सवाल करता है, दुआ करता है, तो फौरन कबूल होती है। कुछ रिवायतों में आया है कि वो घड़ी रात के आखिरी हिस्से यानी सहेली के वक्त है, और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद पहले आसमान पर आकर अपने बंदों से फरमाता है कि हे कोई जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, हे कोई जो मुझसे मगफिरत मांगे और मैं उसकी मगफिरत करूं। और हदीस में आता है कि जुम्मे के पूरे दिन में एक ऐसी घड़ी है जिसमें बंदा अपने रब से जो भी जायज़ दुआ करता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल होती है। कुछ रिवायतों में आया है कि वो घड़ी असर और मगरिब के दरमियान है, और हदीस में आता है कि बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, तो नफल नमाज के सजदे की हालत में भी आप दुआ कर सकते हैं। हदीस की रोशनी में मैंने आपको बता दिया कि दुआ के जल्दी कबूल होने का वक्त कौन सा है, और किसी भी हदीस से ये बात साबित नहीं है कि तारे टूटते वक्त दुआ जल्दी कबूल होती है। लिहाजा आप हदीस के मुताबिक बताए गए वक्त में दुआ करें, इंशाअल्लाह वो दुआ आपकी ज़रूर ब ज़रूर कबूल होगी। और अपनी दुआ में मुझे शामिल करना ना भूलें।
उम्मीद करता हूँ आपको सारा मसला समझ आ गया होगा और अब आप इसी के मुताबिक अमल करेंगे। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, जिन्नात क्या खाते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला इंसान, दूसरा जानवर, तीसरा हड्डी, चौथा खून। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूँ। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।